हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। पिछले पार्ट में हम ग्राफिकल मेथड से लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हमने कुछ सम देखे, ठीक है। तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते। तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड थी, तो उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? अगर हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते तो हमें अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? आप देखो कि आपने जब जब ग्राफिकल मेथड में देखा होगा तो आपको आंसर ऐसे ही मिले होंगे, 4, 4, 3, 5, 7 ऐसे ही आंसर मिले होंगे। अगर कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर ऐसा आता है 4.5 and 1.3, अगर ऐसा सॉल्यूशन आता है 2.1, 7.8, तो वो आप कैसे करेंगे? चलो बोल लो कि आपने वो भी मैनेज कर लिया, ठीक है, कि ग्राफ में 10 होते हैं उसमें से आपने पॉइंट पे 8 रहता है तो लास्ट सेकेंड देख के कर लिए, ठीक है, ये भी ठीक है। बट अगर ऐसा सॉल्यूशन मिला √5, √3, √2, तो फिर आप इसको ग्राफ में कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि अगर कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसा आता है तो आपको वो ग्राफ में कैसे पता चलेगा कि ये √5 है या √3, √2 है, ठीक है। तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम अलजेब्रिक मेथड सीखते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड में टोटल 3 मेथड इस चैप्टर में मेंशन की गई है, उसमें से सिर्फ हम 2 ही मेथड पढ़ने वाले हैं। क्योंकि 2 मेथड इसलिए क्योंकि जो नया सिलेबस आया है 70% के हिसाब से, तो हम वो निगलेक्ट कर देंगे। थर्ड मेथड उसमें थर्ड मेथड इंक्लूड नहीं है नए सिलेबस में, तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेथड पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वन है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन आप वर्ड आपने सुना, आप समझ गए होंगे कि सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है। कोई एक मतलब आपके पास अगर वैल्यू है तो उसको सब्स्टिट्यूट करनी है, मतलब किसमें रखनी है, तो वो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल है 7। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, के सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करनी है और इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। सब्स्टिट्यूट मतलब पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सॉल्यूशन शुरू करते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप यहाँ पे वेरिएबल देखो एक्स और वाई है, दोनों में एक्स वाई ही वेरिएबल है, तो आप सिर्फ एक वेरिएबल को पकड़ के रखे और दूसरे वेरिएबल को इक्वल टू के अनदर साइड ले ले, ठीक है। सिर्फ आपके पास एक ही वेरिएबल रहना चाहिए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स रखेंगे वेरिएबल हम, तो सामने भी सब कुछ जाएगा, -15y है उस तरफ जाएगा तो +15y होगा और ये 7 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन चूज कर सकते, तो हमें जो इजी पड़े वो इक्वेशन चूज करना चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंड वन है जो वो मुझे इजी पड़ता है, तो मैं सेकेंड वन के लिए ही जाऊँगा। सो लेट फॉर इक्वेशन सेकेंड के लिए क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x इक्वल टू यहाँ पे देखो, यहाँ पे x को मैं अकेले रखूंगा और ये 2y है उसको सामने जाने दूंगा। सो यह 3 तो एज इट इज रहेगा, 2y प्लस है उस तरफ जाएगा तो -2y हो जाएगा। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 पर से इक्वेशन नंबर 3 बनाया। तो आप देखो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई है, देख सकते हैं आप मेरे पास x की वैल्यू है, भले वो इन टर्म ऑफ y है, वेरिएबल y के वेरिएबल में है, बट मुझे x की वैल्यू मिल गई है। अगर आपके पास x की वैल्यू है तो आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यस ऑब्वियसली फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू है, कोई नंबर है, अगर आपके पास x की वैल्यू है तो इनमें से किसी पर भी आप रख के y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यस। बट हमने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे यूज किया है, तो हम 2 पे सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे वो वैल्यू, हम कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू मिली है, तो ये जो x की वैल्यू है वो हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यस इक्वेशन नंबर 1 पे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है।
तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, यस 3 माइनस 2y, सो लेट्स डू दैट, 7 ऑफ 3 माइनस 2y, ये मैंने x की जगह क्या लिख दिया, 3 माइनस 2y, बाकी सब जो एज इट इज है वहीं रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं हमें, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, सो लेट्स डू दैट, 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14 वाई माइनस 15 वाई एज इट इज विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो इस 21 को मैं उस तरफ जाने देता हूँ, और 14 एंड 15 का मल्टीप्लीकेशन होगा, सॉरी एडिशन होगा, क्योंकि दोनों साइन सेम है, एडिशन होगा तो माइनस क्या होगा 29y, ठीक है 29y। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, 21 उस तरफ गया तो वो हो जाएगा माइनस 21, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, माइनस 29y विच इज इक्वल टू 2 माइनस 21, वो कितना हो जाएगा 19, ये 21 की साइन बिगर है तो ये हो जाएगा माइनस 19, ठीक है। अभी हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसमें से, y की वैल्यू क्या होगी, ये 29 मल्टीप्लीकेशन में माइनस 29 उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो होगा माइनस 19 अपॉन माइनस 29, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 19 अपॉन 29, हमें y की वैल्यू मिलती है 19 अपॉन 29। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये अगर हमें y की वैल्यू मिल गई है तो ये y की वैल्यू अगर हम, जैसे x की वैल्यू मिली थी हमें, ठीक है, x की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से मिली थी, तो हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं की है वैल्यू, हमने किस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, यस 7x माइनस 15 वाला। अगर हमें y की वैल्यू इस इक्वेशन से मिली है तो हम इसकी वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की, यस इक्वेशन नंबर 3 पे, तो हमें डायरेक्टली कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, x की, तो हमें फिर मिल जाएगी वैल्यू ऑफ x एज वेल एज वैल्यू ऑफ y, सो लेट्स डू दैट। तो हमने यहाँ पे देखो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट थी, x की वैल्यू क्या थी, 3 माइनस 2y थी, तो हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे 19 माइनस 29, सो जस्ट सिंप्लीफिकेशन, 3 माइनस 19 टू जा 38 डिवाइड बाई 29, इस 29 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 के साथ, 3 3 जा 9, 9 माइनस 3 विल बी यस 87 माइनस 38 डिवाइड बाय 29, इसका सब्स्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, 87 माइनस 19 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 19, वेट अ मिनट, शुड आई गॉट मिस्टेक, नो यस हमें 49 मिलेगा, नॉट 19, 49 डिवाइड बाय 29, यस, तो हमें वैल्यू ऑफ x क्या मिली, 49 अपॉन 29, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ x हुई 49 अपॉन 29, और वैल्यू ऑफ y क्या थी हमारे पास, वैल्यू ऑफ y थी 19 अपॉन 29, सो दिस इज आर आंसर। अगर ये आंसर आपको वेरीफाई करना है तो हमारे पास जो बिगिनिंग में जो भी इक्वेशन थे उसमें से कोई भी इक्वेशन में आप वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y रख दोगे और इक्वल टू जो आपको आंसर मिलेगा वो दोनों साइड सेम होगा, तो समझ लेना आपका आंसर करेक्ट है। सो जैसा हमने एग्जांपल देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसी बेसिस पे एक्सरसाइज है 3.3। सो 3.3 में टोटल क्वेश्चन 3 है, उसमें से हम फर्स्ट 2 क्वेश्चन ही देखने वाले हैं क्योंकि वही हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस है, अदर वन हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 के अंदर टोटल 6 है, तो सब के सब एक बाद एक हम देखते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो
तो आप फ्रॉम इक्वेशन वन करते हैं तो आप इक्वेशन नंबर वन देखो, अगर हम एक्स हमें फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो वाई को हमने सामने जाने देना होगा। यस, तो वाई को सामने जाने देते तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई बन जाएगा, तो उसको हम इक्वेशन नंबर थ्री दे देते हैं। अभी एक्स की जो हमें वैल्यू मिली है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन टू, मतलब एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, यस 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई करेंगे तो वाई वाई विल बी टू टाइम हो जाएगा, सो 14 माइनस टू वाई हुआ, और बाकी सब 4 तो एज इट इज ही चलता आएगा। सो ये 14 है उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, और ये 4 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेते हैं, इक्वल टू के राइट हैंड साइड, और 2y माइनस है राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 2y हो जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में आएगा तो 10 डिवाइड बाई 2 विल बी 5 हो जाएगा, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 5। ये जो y की वैल्यू 5 हमें मिली है, ये y की 5 वैल्यू, वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 3। यही मेथड आप चलेंगे तो आप तुरंत ही आंसर ला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं रहे। वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 14 माइनस 5 करेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या वैल्यू मिल जाएगी, 9। सो आपके पास वैल्यू ऑफ x एंड y इज 9 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। देन नेक्स्ट है, s माइनस t इज इक्वल टू 3 एंड s डिवाइड बाई 3 प्लस t डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो फ्रॉम इक्वेशन वन हम x s की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, मतलब t राइट हैंड साइड जाएगा तो वो हो जाएगा t प्लस 3, ठीक है, या 3 प्लस t, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये जो वैल्यू हमें मिली है s की वैल्यू, उसे हम इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो s की जगह हम क्या लिख देंगे, t प्लस 3, और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया s की जगह t प्लस 3। फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 को मल्टीप्लीकेशन विथ दिस इक्वेशन और 3 को मल्टीप्लीकेशन विथ टी, सो 2 into t प्लस 2 into 3 विल बी 6, 2t प्लस 6 एंड 3t एज इट इज। तो यहाँ पे 3t एंड 2t का सम होगा, वो होगा 5t, और 6 ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस 6 होगा, सो 36 माइनस 6 विल बी 30। अस 5 को मल्टीप्लीकेशन में उस तरफ में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 5 6 30 होता है, तो हमें आंसर मिलेगा टी। ये जो हमें टी की वैल्यू मिली है 6, उसे हम इक्वेशन 9 में थ्री में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। हमें टी की क्या वैल्यू मिली है, यस हमें टी की वैल्यू मिली है 6, तो 6 प्लस 3 करेंगे तो हमें एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9, एस की वैल्यू हमें मिलेगी 9। ये इज वैल्यू ऑफ एस 9, सो एस और टी की दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। थर्ड वन देखते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो ये y को हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं और x को ये प्लस 3 है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो वो माइनस हो जाएगा, तो हमें इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू 3x माइनस 3। तो ये जो वैल्यू है हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यस ऑब्वियसली इन इक्वेशन टू में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, 3x माइनस 3। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 9x प्लस 9, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो माइनस 9x प्लस 9, तो यहाँ पे 9x 9s कैंसिल हो जाएगा तो 9 इक्वल टू 9 मिलेगा। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू, हेंस द गिवन पेयर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन एंड रिलेशन बिटवीन दिस वेरिएबल गिवन एज y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। सो तो आप देखो ये दोनों इक्वेशन आफ्टर ऑल एक ही है, यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को, फर्स्ट वन को, तो क्या मिलेगा आपको, 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, मतलब दूसरा वाला ही इक्वेशन मिलेगा आपको। तो हमने जैसा सीखा था कि वो जो ग्राफिकल में आप देखेंगे तो एक के ऊपर एक लाइन आएगी, ये उस तरीके का इक्वेशन है, ठीक है। तो हमें उसका आंसर क्या मिलेगा,
हमें सिर्फ इस इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन करना है। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। सिर्फ 1 इज द पॉसिबल, इट्स पॉसिबल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास 0.2x, 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अभी वो आपको आता है x की वैल्यू कैसे फाइंड करते, ये थे 0.3y को राइट हैंड साइड जाने देंगे और 0.2 है उसको डिवीजन में होगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के साथ है। तो वहीं जो x की वैल्यू है हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे और उसका सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे तो हम एज अ लास्ट मिलेगा 0.3 इक्वल टू 0.1y इज इक्वल टू y की वैल्यू मिलेगी हमें 3। ये जो y की वैल्यू मिलेगी 3, उसे हम इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? यस, x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे सब्सटीट्यूट की है वैल्यू, फिर सिंप्लीफिकेशन किया है, उसके बाद हमें x का आंसर मिल जाता है, x एंड y दोनों की वैल्यू मिल जाती है। देन नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वन, स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू 8, स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 8y इज इक्वल टू 0। ये बहुत, अगर ये एलिमिनेशन, ये मेथड हम सब्सटीट्यूशन से नहीं करते तो थोड़ा टफ होता। अगर ये मेथड, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम एलिमिनेशन और कोई और मेथड से, ग्राफिकली मेथड से करते तो थोड़ा डिफिकल्ट होता, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू लिखनी है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये माइनस स्क्वायर रूट 3y होगा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2, तो हमें ये आंसर मिलेगा। ये जो वैल्यू हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें यहाँ पे x में सब्सटीट्यूट की है, फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करना, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 विल बी 3 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे 8 का स्क्वायर रूट 8 है उसका सिंप्लीफिकेशन किया है, 4 2 जा आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे वहीं लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे y कॉमन निकाल लिया है, y है जो कॉमन निकाला, तो बचेगा क्या? माइनस 3 बाई स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, तो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मतलब ये जो पूरा है, पूरी जो वैल्यू है वो सामने की तरफ जाएगी तो क्या होगी? 0 हो जाएगी। अब देख लो कि ये y इंटू यहाँ पे है 5 इज इक्वल टू 0। अगर मान लो कि इसका आंसर 5 आता है, 5 नहीं आता है बट मान लो कि इसका आंसर 5 आता है, कोई भी यहाँ पे आंसर आता हो, y इंटू कोई भी नंबर है इज इक्वल टू 0 है, तो मतलब ये नंबर सामने चला जाएगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। तो वैसे ही हमें y की वैल्यू क्या मिलती है? 0। तो ये जो वैल्यू हमें मिली है, y की वैल्यू 0, इसे हम इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे तो 0 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3 है डिवाइड बाई 2 है स्क्वायर रूट, तो वो भी हो जाएगा 0, मतलब x की भी वैल्यू हमें मिलेगी 0। सो x एंड y दोनों की वैल्यू हमें मिलती है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे है 3 बाई 2x माइनस 5 बाई 3y इज इक्वल टू माइनस 2 और x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को पहले सिंप्लीफिकेशन किया है, LCM निकाल के उसका सिंप्लीफिकेशन किया है, मतलब 3 3 जा 9 किया यहाँ पे, माइनस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 करके यहाँ पे लिख दिया है 12। तो फिर इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड की है इस इक्वेशन में से, तो हमें x की वैल्यू मिलती है माइनस 12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9। तो ये जो वैल्यू है x की, उसे हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो सब्सटीट्यूट कर दे तो कुछ इस तरीके का हमें इक्वेशन मिलेगा। फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 9 3 जाए यहाँ हो जाएगा 27, बाकी सब एज इट इज। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? LCM लेने का, तो 72 जा 57 होता है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन 24 20 और यहाँ पे 27 से मल्टीप्लीकेशन विथ y होगा तो 27 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 57 हो जाएगा सामने और उसका भी सिंप्लीफिकेशन
यहाँ पे वो सामने भेजने की कुछ ज़रूरत नहीं, अभी तक अभी यहाँ भले रहा। फिर उसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 27 प्लस 20 वो होता है 47y, और उसका और इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 117 प्लस 24, सो 47y इज इक्वल टू 141, और 141 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 47 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा y इज इक्वल टू 3। और ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे y की वैल्यू, तो हमें वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी। सो वैल्यू ऑफ x हमें मिलती है 2, उसके बाद हमें वैल्यू मिलती है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है और थोड़ा डिफरेंट भी है। सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो ये जो हमें कहा कि सोल्व किया है मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी, उसके अलावा फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो हमें y m की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हमारे पास x और y की वैल्यू होगी तो हम इक्वेशन सोल्व करके m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब हमें पहले x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ये दोनों इक्वेशन में से। तो सिंपली हमने दोनों इक्वेशन लिख दिए, इसके बाद एक और उसका नाम भी दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फिर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वहीं यूज़ करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे हम x को कॉमन लेंगे, सो 11 माइनस 3 होगा डिवाइड बाय 2 होगा। फिर ये जो x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, जो इक्वेशन में वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है वहीं। फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y, सो 3y माइनस 4y हो जाएगा 7, और 11 प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, सो माइनस 11 विल बी माइनस 35 होगा, और y की वैल्यू में मिलेगी 5। अगर ये y की वैल्यू में 5 मिली उसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 11 माइनस 5 3 ज़ा 15 डिवाइड बाई 2, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 2। सो हमें x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। यही वैल्यू हम ये जो हमें इक्वेशन है लास्ट में दिया गया है इक्वेशन, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें m की भी वैल्यू मिल जाएगी। सो ये इक्वेशन है हमारे पास, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, y की 5 x की माइनस 2, तो ये प्लस माइनस 2m है उसको राइट हैंड साइड जाने देते हैं, या फिर ऐसे ही रखा है, 5 प्लस 3 है उसको उस तरफ जाने देंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 3 विल बी 2, यहाँ पे होगा माइनस 2m इज इक्वल टू 2, 2 कैंसल और माइनस साइन सामने जाने देंगे तो m की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस 1। सो दिस इज आर आंसर। तो उसके बाद जो क्वेश्चन 3 है वो पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, सो वो हम स्किप करेंगे। उसके बाद हम दूसरी एक मेथड सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वो मेथड है यस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम ये सीखेंगे। अप टू देन वी कंप्लीट लेक्चर अप टू हियर ओनली। गुड बाय, हैव ग्रेट डे।